बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम बहन भाइयों को खुश रखे, बार रखे और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। तो सबसे पहले तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट होती है कि YouTube चैनल पे अब्बास वीर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त तमाम बहन भाइयों को मिल सके। मैं और भैया सब घरों बाहर आए हैं। भैया सब ने कुर्बानी लेनी सी वो लाभ दे पाए, लेकिन फिलहाल कुर्बानी सानू कोई बारे ना मिली। कौन है क्योंकि वजह यह है कि रेट का कोई मसला नहीं, सानू जेड़े पसंद ही कौन नहीं अज तक, तो ना ही कोई सानू अज तक आया भेडू मिलिया, कोई ना ही मिलिया बकरा कोई, तो पट्ठा तो छोटे बकरे, लेकिन वो टेडी सानू पसंद नहीं है। तो मैं क्या चलो कोई देसी मुर्गे दे पता कर दे पे हर घरों, एक घरों एक देसी मुर्गा हैगा सी, एक कोई छोटा वो तो बेच देने है। मैं कहूँ दोनों दे दो, एक मुर्गा हैगा तो दो किलो का बैठा जा। तो हूँ यह पकड़े हुआ असी गए भी सू पुछ के दसो तोल के देना मुटे ने देना, तो आंटी जी ने घरों पता कर गए कि असर अभी देना है। तो आज हम देख जिस तरह मिल गया जिन्हों लै चल करके जिब्बा करके खाइए, तो बकाया कुर्बानी तो कोई ना कोई मिल जाएगी। बकरा भी सामने खागा, लेकिन असी क्या सू यही बेच दो, उन्होंने कहा भाई इन्हें असी नहीं बेचना, असी रखना अजय। मैं क्या चलो थोड़ी मर्जी है बई। तो भाई पानी का सिस्टम वैदा इन्होंने वधिया किया, मैंने एक तो है कनाली कनाली के उपर खरे लगाया हो जे घड़े का ढक्कन नहीं, बल्कि हैगी कोई मुर्गियों पानी पाने वाली पानी पाने वाली उपर। हाँ जी दो स्टैम बने हुए हैगी पानी वाली। हाँ जी प्यारी लगती पी भाई, लेकिन ये ना काफी लोग इन्होंने मैं लगता है आंडे भी खाते वक्त है ना। मैं जिंदगी नहीं खादा, तुम खादा इन्होंने कभी आंडा नहीं खादा कदी। हो सुना चाचा फौजी कि हाल चाल आ, असि वक्त वेखते पे हाँ तो वह ज्यादा करते पे हाँ। ये तो बच्चा नहीं अजय वक्त है, ये बच्चा अज है ना, ये तो काफी बड़े बड़े हो जाते हैं तकरीबन गोश्त इन्होंने मिलना सत अठ किलो दस किलो गोश्त ही निकल आता इन्होंने पता। सर्दियों तो बाद हजे बच्चा तकरीबन फिर ये हो गया तीन चार माह का होगा है ना, चार पाँच माह का हो गया, तो तकरीबन ये काफी बड़े बड़े मैं वेखे आ। एक इन्हें ब्लैक वाले भी आते हैं। अच्छा भी ए भी जुगाड़ चंगा, सामने छोटी पई है प्लेट सोलर, तो जिथे दिल करे प्लेट लगाए लगाई हुई है, मैख मैख जिथे गिल करो उथे ही फसा लो मोटर वाला पखा, तो मर्जी इजी होकर हवा लो। मेरे देखने सब तो कम बेहतर आ, एक तो दरख्त की छाई माशाल्लाह बड़ी प्यारी है, उपर तूत लगा हुआ है, तो नाल पखा लगा है, तो नीचे डोले हुआ पानी, ठंडी ठंडी कूलिंग वाली हवा एसी वाली समझ लो। हाँ देखो जी काम कार करके बड़ा सोना तूत की छाई आके बह जाते हैं, दूसरा ठंडी हवा मिलती है। फिर बाबी आसी मुर्गे लिया कि घर बन लिया, बाबी आसी कुकर की ना जी है ना परली होंगी चोटी कलगी कहते कलगी कहते कलगी हाँ जी कलगी असी कितनी प्यारी है कलगी भी, और निचली जी होंगी उसकी गाल लड़की पता नहीं की कहते, मैं तो भी नहीं पता बाबी पता नहीं बुझने पूछा की कहते हैं। हाँ कितना प्यार सब तो ज्यादा इन्हें वजन भी इतने दिता, इतना वजन घट वैसे बड़ा बड़ा मुर्गा लगता जे। हाँ जी कलगी सब तो ज्यादा वजन दिता, सब तो प्यारी इस मुर्गे कलगी नजर आई कलगी सिर तक। हाँ जी उन्होंने को एक उन्हें जीबा कर लिया थोड़े मिल जाए अभी तो गए ना, तो जीबा करके तो अभी पांच सात मिनट खोतरे फिर आया भाई, वो कहता कि पांच दस मिनट पहले आ जाना, हमने कुत्ता जीबा थोड़ा अभी भी दे देना। हाँ जी बी असी पसंद आते, जो पसंद होता रेट नहीं बनता, जो रेट बनता पसंद नहीं होता है, जो सू एक छतरा पसंद से 32,000 ने कटे आगे, तो एक हूँ 22,000 ने कटे, वो सू इतना पसंद नहीं आया है बई वाला। तो फिर बाद मैं भाई ने कहा मैं चौंका समी माल खागा ये डेली मंडी हूँ लगती फतवारी सुबह लगनी है, मैं उतो देख लियो ना तंग करो बेटा इन जीबा करना शामी ना तंग करो, लेकिन बच्चे एकदम मुर्गे बहुत तंग कर दे कुछ कुछ चीज नवी लिया के बच्चे पैसे पहला बच्चा लिखो खोल पैसे पास। चलो इधर आओ चलो चलो हिब्बे पर चलो मुझे चलो मारा मैं बिरयानी बना रहे हैं खास दालियों चावल भगोले हुए साफ करके, तो मटर मिर्चा भी कट लिया है, तो देग चीज प्याज प्यूज पा के रख दिया नीला का फ्राई होने वास्ते, चावल एक दम निकले है, तो गोश्त में लिया असी तो ना देसी मुर्गा भी लिया असी, तो गोश्त देसी मुर्गे का शाम साल कहते बनावे डिसाइड है कि घरों में शाम साल बनावा देसी मुर्गे का शोर वगैरह रोटी करने का बड़ा मजा आएगा, तो हम बना लिए दोपहर वास्ते बिरयानी।
ਰਾਤੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਚਿਕਨ ਬਲੇਵਰ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾਲੇ ਬਾਈ ਹੁਣ ਆਏ ਲੈ ਬਾਈ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਸਲਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਖਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਨਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਾਈ ਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗੋਸ਼ਤੀ ਦੁੱਧ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਗੋਸ਼ਤੀ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਮਸਾਲੇ ਨਮਕ ਔਰ ਸਫੈਦ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਉਣੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਲੈਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੋਰ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਤੇ ਚਾਵਲ ਪੱਕ ਚੱਲੇ ਆ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਵਲ ਦਮ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਵਲ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵਿਅਸਤੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਚਾਵਲ ਕਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮੀ ਜੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਟਲ ਲੈ ਕੇ ਚਾਵਲ ਬਣਾਏ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹਨੇ ਖੀਰ ਬਣਾਈ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਚਾਵਲ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਹੋ ਗਏ ਛਿਲਕੇ ਬਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਚਾਵਲ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਭਾਬੀ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟੇ ਆ ਧੋ ਕੇ ਨਿੰਬੂ ਲਗਾ ਲਿਆ ਚਾਵਲ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਚਾਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਸਭੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਲੀ ਪੇਟ ਕੇ ਨਿੰਬੂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਮੁਰਗਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਜ਼ ਨੇ ਮੁਰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਲਾਸ਼ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਮੁਰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮੂ ਜੀ ਮੋਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਜ਼ ਉਹ ਬੰਨਿਆ ਛੋੜਿਆ ਹੈ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਰਗਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੁਰਗਾ ਹਮਾਰਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਰੱਸੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਮੁਰ ਕੇ ਰੱਸੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਮੁਰ ਕੇ ਬਣੀ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੇ ਮੁਰਗਾ ਅਗਰ ਛੋੜ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਕੜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਭਾਗਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਦੌੜਦਾ ਬੇਟਾ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਡੋਰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਡੋਰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸ ਕੇ ਬੇਟੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ
ठीक हो गया, चलो खेड़ा मेरा बेटा। तो आज की साड़ी है जी असी इतने तक ही, कल फिर मिलेंगे एक नवी वीडियो के नाल। उद तक अपना और अपने प्यार का बहुत सारा ख्याल रखियो, अपनी आवाज़ भी रखियो। दुआवां याद, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।